हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक ब्लॉग भी बनाया है जिसका नाम है सिविल नंबरिक 2 एंड इंजीनियर्स। यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ब्लॉगर का नाम है सिविल टू इंजीनियर्स, गूगल का ही ब्लॉगर है, ठीक है। तो आप कुछ डाटा रिलेटेड टू सिविल इंजीनियर यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर विजार्ड की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैट प्रो न्यू प्रोजेक्ट हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर विजार्ड। ओके, स्ट्रक्चर विजार्ड, ठीक है। यूनिट मीटर किलो न्यूटन फोर्स, नेक्स्ट हेड बीम फिनिश। तो ये स्ट्रक्चर विजार्ड होता क्या है? मान लीजिए आपको कोई ट्रस स्ट्रक्चर बनाना है, या ऐसे कहूँ कि स्ट्रक्चर विजार्ड एक ऐसी एप्लीकेशन है स्टैट प्रो के अंदर जिसमें पहले से कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो अगर आपको उनके जैसा स्ट्रक्चर बनाना है तो वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इम्पोर्ट करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपका आता है रन स्ट्रक्चर विजार्ड, ठीक है। रन स्ट्रक्चर विजार्ड यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, ज्योमेट्री रन स्ट्रक्चर विजार्ड। तो देखिए ये विंडो खुल गई, ये विंडो खुली है हमारी रन स्ट्रक्चर विजार्ड से। इसके अंदर आपको जाना है, इस पोर्शन को चेक करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे ट्रस मॉडल, तो यहाँ पे पहले से कुछ ट्रस मॉडल बने हुए हैं, तो हम पहले ट्रस मॉडल पर क्लिक करते हैं। डबल क्लिक, डबल क्लिक करते ही ये विंडो आ गई। अभी इसको अप्लाई कर देते हैं तो ये ट्रस आ गया। यहाँ पे क्लिक करके ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा तो स्ट्रक्चर बनाना है कि थोड़ा बहुत साइज में डिफरेंट है, तो आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये आ गया। तो इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, विड्थ चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ बेस 1 2 3 4 5 6, और आप यहाँ से बेस की विड्थ भी कर सकते हैं। तो आप कुछ भी चेंज कीजिए, जैसे कि मैं चेंज कर देता हूँ नंबर ऑफ बेस 5 कर देता हूँ। अप्लाई तो देखिए नंबर ऑफ बेस ये हमारे पास है, ठीक है। अब मेरे को इसको ये और भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अप्लाई, यहाँ पे ब्रिज टाइप का, ये देखिए लैटिस ट्रस, ये देखिए नॉर्थ लाइट, ये इसी तरह और भी मॉडल यहाँ पे, फ्रेम स्ट्रक्चर लाइक सिलेंडर है ना, और आपका सरफेस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर हमारे लिए बनाना बड़ा मुश्किल होगा अगर हम हैंड हाथ से अपने मॉडलिंग कर। तो यहाँ पे गिवन डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज है आप चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि डोम, देखिए अगर हम बनाएं इस डोम को स्टैट के टूल्स की हेल्प से तो बन पाएगा, ऐसा बन जाएगा नौसक, लेकिन टाइम लगेगा। यहाँ से इसका डायमीटर हाइट सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसकी। इसी तरह कूलिंग टावर है ना, और आगे देखते हैं सॉलिड मटेरियल, ये देखिए इसी तरह से कंपोजिट बंकर, इन सबके प्रॉपर्टी डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, कैट मॉडल आप इम्पोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और ये मैक्रो में आप अपना ही खुद का बना सकते हैं। तो हम कोई एक चीज इम्पोर्ट करके देखते हैं, हम डॉम इम्पोर्ट करके देखते हैं, डॉम, ठीक है, ये डॉम। अब इस डॉम का जो सेंटर है वो कहाँ है, आप देख रहे हैं इसके एक्सिस, इसके जो एक्सिस है ये हैं, यानी कि इसका ओरिजिन ये है, ठीक है। तो मैं यहां से जाता हूं फाइल एंड मर्ज मॉडल विद स्टैक प्रो, मर्ज मॉडल विद स्टैक प्रो। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां पे यस करता हूं ट्रांसफर के लिए, तो पूछता है कि कहां रखना है। तो देखिए वो जो डॉम था आपका, ये जो डॉम था उसका ओरिजिन पॉइंट ये था और हमारा ओरिजिन पॉइंट ये है। अगर मैं ओके करता हूँ यहाँ पे, तो ये ओरिजिन पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ के नीचे हमारा डॉम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ डालता हूँ 5x में, तो हमारा डॉम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके कर देते हैं इसे, ये देखिए जो हमारे डॉम के एक्सिस हैं ये, तो ये यहाँ पे हमारा आ गया। इसी तरह हम दूसरे स्ट्रक्चर को इंपोर्ट कर लेते हैं, ज्योमेट्री रन स्ट्रक्चर विजार्ड, और एक ट्रस कर लेते हैं इसको, फाइल इंपोर्ट, फिर ये पूछेगा इसको 20 मीटर दूर करते हैं, एक्स डायरेक्शन में 20 मीटर दूर, 10 मीटर तो ये है आपका, ये है 20 मीटर, ठीक है। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास, इंपोर्ट करते हैं, कूलिंग टावर। अब कूलिंग टावर का जो ओरिजिन है वो ये है, ठीक है, यहाँ पे कूलिंग टावर का ओरिजिन, और हम इसको कहाँ रखना चाहते हैं, चलिए करते हैं फाइल मर्ज, यस। अब इसको देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है, मैंने भी कभी ये यूज नहीं किया लेकिन आज करके देखते हैं, बाय डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, ठीक है, ओके यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि दो नोड नंबर दो, तो एक में इसको कैंसिल करते हैं और दो नोड नंबर दे लेते हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ और यहाँ, इन दोनों नोड का नंबर देखते हैं, 209 210, ठीक है, डबल क्लिक किया तो यहाँ से नंबर नोट कर रहा हूँ, 209 210। अब देखते हैं होता क्या उससे, थ्री डी में देखें वाह क्या है, जो नोट हमने दिए थे वो अंदर आ चुके हैं इसके, ऐसे पता नहीं चल रहा, हम टॉप व्यू से देखते हैं,
फ्रंट व्यू से देखते हैं। ओके, एक बार और ट्राई करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर को लेके, अभी समझ में नहीं आया है। ये मैंने बनाया 10 मीटर के दो जॉइंट, वन और टू नोड नंबर, ठीक है। अब हम ज्योमेट्री में जाते हैं, स्ट्रक्चर एंड विजार्ड, सिंपल एक फ्रेम करते हैं, मान लो ये, ठीक है, और इसको करते हैं इंपोर्ट बाय डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, नोड वन वन, नोड टू टू, एक नंबर। अब इसको चेक करते हैं, नोड वन, नोड थ्री, इसको रोटेट, नोड फाइव, नोड टू। ओके ओके, इसका मतलब क्या है कि जो नोड नंबर में डाला है और जो उस स्ट्रक्चर के नोड नंबर हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ठीक है, ये था आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड। और भी किसी चीज़ की क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, या तो ब्लॉगर में जाके कमेंट कीजिए या फिर यूट्यूब की वीडियो में कमेंट कीजिए। थैंक यू।